नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ तैलीय त्वचा के लिए कुछ घरेलू उपाय। तैलीय या उसको इंग्लिश में ऑयली त्वचा के देखभाल कैसे करें। सुंदर चेहरा सभी को आकर्षित करता है, लेकिन पिंपल्स और झाइयाँ चेहरे की सुंदरता खराब कर देते हैं। तैलीय त्वचा और रुखी त्वचा की वजह से चेहरे पर दाग धब्बे और किल मुहासे निकलते रहते हैं। ऐसी प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए बहुत से लोग मार्केट में बिकने वाले ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। ये महंगे होने के साथ साथ ज़्यादा असरदार भी नहीं होते हैं, कभी कभी इनके साइड इफ़ेक्ट भी दिखने लगते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑयली त्वचा के आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय क्या हैं। जिनकी त्वचा तैली होती है उनको ब्लैक हेड्स, पिम्पल्स, वाइट हेड्स और स्किन में जलन की समस्या हो सकता है। कुछ लोगों में ये समस्या अनुवांशिक होती है, लेकिन कभी कभी ब्यूटी प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट के कारण भी हो सकता है। ऑयली स्किन के लिए आपको जो नेचुरल आयुर्वेदिक उपाय करने हैं वे हैं। स्किन में बढ़ते हुए तेल को सोखने के लिए दही बहुत उपयोगी होता है। दही को चेहरे पर लगाकर छोड़ दें और 15 मिनट बाद चेहरे को धो। दूसरा उपाय, दही, बेसन, हल्दी और चावल का आटा मिक्स करके पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाने से चेहरे में जमा तेल खत्म हो जाता है और चेहरे का निखार वापस आ जाता है। इस उपाय से चेहरे के पिंपल्स और काले दाग धब्बे भी साफ हो जाते हैं। तीसरा उपाय, पुदीने के रस में नींबू का रस और शहद मिलाकर चेहरे पर लगाने से भी तैलीय त्वचा से एक्स्ट्रा ऑयल खत्म हो जाता है। मुल्तानी में हल्दी और चंदन का लेप चेहरे की नमी सोख लेता है और त्वचा ऑयल फ्री हो जाती है। इस देसी नुस्खे से त्वचा टाइट होती है और जिससे चेहरा फ्रेश दिखता है। ऑयली त्वचा के लिए खीरे, ककड़ी और कच्चे आलू को चेहरे पर रगड़े, इससे तेल साफ हो जाता है। अंडे का सफ़ेद वाला भाग तैलीय त्वचा को टोन करने और स्किन टाइट करने में कारगर होता है। एक अंडा तोड़कर उसका सफ़ेद भाग चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद चेहरे को धो लें। आप लगाने से पहले इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं। आइए ऑयली स्किन के लिए कुछ ब्यूटी टिप्स हैं उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। तैलीय त्वचा को साबुन से नहीं धोना चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन लोशन लगाना चाहिए। तला भुना चीनी और वसा युक्त खाने से परहेज करना चाहिए। कम से कम मेकअप लगाना चाहिए। दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि ऑयली त्वचा को आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खे से कैसे सुंदर बनाया जा सके ताकि वो आकर्षित दिखे और पिंपल्स और झाइयों से बचे। आप इसी तरह की जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।